फ्रेंड्स, आईपीएल 2020 के ऑक्शन में केकेआर की टीम ने फैट कमिंस, इसके साथ ही ओएन मॉर्गन और टॉम बेंटन जैसे बड़े नाम अपनी टीम में खरीद कर इंक्लूड किए हैं और इसके बाद इस टीम का स्क्वाड आईपीएल 2020 के सीजन के लिए काफ़ी बड़ा और काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा था और ये टीम एमआई और सीएसके के साथ ही सीजन के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही थी। यानी केकेआर की तरफ से आईपीएल 2020 के सीजन की तैयारियाँ काफ़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन इस ऑक्शन के लगभग 7-8 दिन बाद ही केकेआर के लिए एक बड़ी बुरी खबर या फिर केकेआर को एक बड़ा झटका तब लगा जब इन्हें पता चला कि इनके लिए स्पिन विकल्प प्रवीण तांबे आईपीएल 2020 के सीजन से पूरी तरह बाहर हो चुके हैं। ना सिर्फ आईपीएल 2020 का सीजन बल्कि वो अब हमेशा के लिए आईपीएल से बाहर हो चुके हैं। इस वजह से केकेआर के लिए एक बड़ी बुरी खबर या फिर एक बड़ा झटका केकेआर को लगा है और अब केकेआर की टीम इनकी रिप्लेसमेंट ढूंढने में लग चुकी है और अभी जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग ये टीम 3 प्लेयर्स को इनकी रिप्लेसमेंट के रूप में देख रही है और इन 3 में से 1 प्लेयर को अपनी टीम में ये टीम इंक्लूड करेगी। यानी प्रवीण तांबे की रिप्लेसमेंट के रूप में किसी एक प्लेयर को ये टीम अपनी टीम में इंक्लूड करने वाली है। मैं इस वीडियो में आपको उन्हीं 3 प्लेयर्स के नाम बताऊंगा और बताऊंगा कि इनमें से कौन से प्लेयर को ये टीम अपनी टीम में इंक्लूड करेंगी प्रवीण तांबे की रिप्लेसमेंट के रूप में। मैं इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन और सारे अपडेट्स दूंगा, वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, इस वीडियो को हमेशा की तरह अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं आपकी फेवरेट टीम जीते आईपीएल 2020 का सीजन तो नीचे का लाइक का बटन दिया होगा उसको जरूर दबा दे और हमारे चैनल को जरूर कर दे सब्सक्राइब। फ्रेंड्स, प्रवीण तांबे ने बीसीसीआई के एक बड़े नियम का उल्लंघन किया या फिर बीसीसीआई का एक बड़ा नियम तोड़ दिया है, इस वजह से ये आईपीएल 2020 के सीजन से पूरी तरह बाहर हो चुके हैं। दरअसल बीसीसीआई का एक नियम है कि अगर कोई भी प्लेयर बीसीसीआई के अंडर में आता है या फिर बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट में आता है, जब तक वो बीसीसीआई के सारे फॉर्मेट से रिटायरमेंट ना ले ले तब तक वो विदेश के किसी भी लीग का भाग नहीं हो सकता है। अगर वो विदेश में जाकर कोई लीग खेलता है तो उसे बीसीसीआई आईपीएल इसके अलावा डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलने की परमिशन नहीं दे। हालांकि इस वजह से अब बीसीसीआई परमिशन नहीं देने वाला है प्रवीण तांबे को और आईपीएल 2020 के सीजन से प्रवीण तांबे पूरी तरह से बाहर हो चुके हैं और केकेआर की टीम को अब जल्द ही इनकी रिप्लेसमेंट ढूंढनी पड़ेगी। और जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग केकेआर की टीम 3 प्लेयर से बातचीत कर रही है इनकी रिप्लेसमेंट के रूप में और इस लिस्ट में जो सबसे पहले नंबर पर प्लेयर का नाम आता है वो है करंटली वेस्टइंडीज का हेडन वॉल्श। दरअसल हेडन वॉल्श का काफी अच्छा प्रदर्शन था इंडिया और वेस्टइंडीज की सीरीज में। लगातार 3 टी20 के वनडे सीरीज में इनका अच्छा खासा प्रदर्शन था और ब्रेंडन मैकेलम फिलहाल इनसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन काफी कम चांसेस है कि वॉल्स के पीछे ये टीम जाए और इनको अपनी टीम में इंक्लूड करे क्योंकि इनके पास ऑलरेडी सुनील नारायण है, तो ये टीम इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर के पीछे ही शायद जाए। वही इसके बाद इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है केसी करियप्पा का। दरअसल इससे पहले वाले सीजन में केसी करियप्पा केकेआर की टीम में थे, हालांकि इन्हें मैचेस नहीं मिले थे, लेकिन इसके बावजूद ये केकेआर की टीम में बेंच पे थे पूरे सीजन और केकेआर की टीम ने इस सीजन इन्हें रिलीज कर दिया। ऑक्शन में इनकी बेस प्राइस 50 लाख थी लेकिन कोई भी टीम इनमें इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन अब केकेआर की टीम इनमें इंटरेस्टेड है और केकेआर के हेड कोच ब्रेंडन मैकेलम फिलहाल इनसे बातचीत कर रहे हैं और ये रिपोर्ट है कि केकेआर की टीम इनको अपनी टीम में इंक्लूड करने वाली, ऐसी कुछ रिपोर्ट है। यानी काफी हद तक लगभग 60-70% चांसेस है कि ये टीम करियप्पा को अपनी टीम में इंक्लूड करेगी। वही इसके बाद इस लिस्ट में तीसरे और आखिरी नंबर पर नाम आता है प्रज्ञान ओझा का। दरअसल प्रज्ञान ओझा ने इस ऑक्शन के लिए अपनी बेस प्राइस केवल 50 लाख रखी थी, टीमें इनमें इंटरेस्टेड नहीं थी या फिर टीमों के पास ऑलरेडी स्पिनर्स थे, इस वजह से प्रज्ञान ओझा इस ऑक्शन में अनसोल्ड गए और अभी केकेआर की टीम के हेड कोच ब्रेंडन मैकेलम और टीम मैनेजमेंट प्रज्ञान ओझा से बातचीत कर रही है और ये भी प्रवीण तांबे की एक रिप्लेसमेंट इस टीम में हो सकते है यानी केसी करियप्पा। इसके साथ ही प्रज्ञान ओझा, इन दोनों के काफी हद तक चांसेस है प्रवीण तांबे की रिप्लेसमेंट के रूप में। ये टीम ओवरसीज प्लेयर के पीछे नहीं जाएगी क्योंकि इस टीम के पास ऑलरेडी ओवरसीज स्लॉट खाली नहीं है, तो ये टीम इंडियन प्लेयर के पीछे ही जाएगी, इंडियन प्लेयर को ही रिप्लेसमेंट के रूप में अपनी टीम में इंक्लूड करेगी और प्रज्ञान ओझा और केसी करियप्पा के काफी अधिक चांसेस है। तो फ्रेंड्स, ये था इस वीडियो में, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कौन से प्लेयर को इस टीम को प्रवीण तांबे की रिप्लेसमेंट के रूप में टीम में इंक्लूड करना चाहिए। वही इसके साथ वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।